ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, इतनी गंदी बॉलिंग एंड पे इनकी कैसे शुरू होगी? बस कर दो यार, वो बच्ची 19 साल की बच्ची छठे नंबर पे आ रही है, इतनी देर से खेलने वाली कप्तान, इनको नहीं पता कि उसको ऊपर भेजो यार, मतलब आप बांग्लादेश एक्सपोजर कर लो ना। पकड़ के रखा हुआ इंडियन वुमेन्स को, टेंपर लगा क्या, हमने पकड़ी गई है इंडियन वुमेन्स, और ये रहे हो फिर आप फील्डिंग भी ऊपर रख रहे हो, पोजीशन से आप प्लेट में यूं रख के वापस दे देते हैं। हम जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर, ये जितनी लड़कियां हैं सामने यार, हम इतने अरसे से इंडिया पाकिस्तान एटलीस्ट वुमन क्रिकेट की सत्ता पे तो हो ही रहे हैं ना, कभी कॉमन में तो पीछे रखो ताकि बैट्समैन पास पड़े। आप देखेंगे इतना इतने रन करके भी कि हम उनसे जिसको कहते हैं फाइनल बॉल तक लेके नहीं गए मैच, इतनी पुअर बॉलिंग कि आप नासिर हुसैन जैसा बंदा कमेंट्री। दोस्तों इंडिया वर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स का जो मैच हुआ था उसके अंदर इंडिया की टीम ने बड़ी अच्छी जीत जो है दर्ज करी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम हार गई। उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग अपनी ही लड़कियों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि आप लोगों को खेलना नहीं आता है। दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शंस। एमन अनवर, निडाडार, सिदरा अमीन, बिस्मा मारूफ, ये जो लॉलीपॉप है ना वुमन क्रिकेट का, कि हाई प्रेशर, एक्सपोजर नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, फला नहीं मिलता, डमका नहीं मिलता, बस कर दो यार, वो बच्ची 19 साल की बच्ची छठे नंबर पे आ रही है, इतनी देर से खेलने वाली कप्तान, इनको नहीं पता कि उसको ऊपर भेजो ताकि वो एक्सेलरेट करेगी। लेट प्लीज बी सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम हर दफा वुमन क्रिकेट पे एक्सपोजर 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 नहीं है यार, मतलब आप बांग्लादेश एक्सपोजर कर लो ना, आप श्रीलंका से कल श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका को खड़े खड़े मार दिया। हाँ, आपकी फिनिशिंग टचेस जो नहीं दे रही है वो आपकी सीनियर्स नहीं दे रही है। आप बिलावजह में एक्सपोजर पे चली जाती है। सिदरा अमीन ने बाउंड्री छोड़ी है, 17 बॉलों में 11 रन सिदरा अमीन ने बनाए हैं। एमन अनवर ने यार हाफ रैकर करके पाकिस्तान वुमन टीम के ज्यादातर मैचेस देखें, विनिंग पोजीशन से रेगुलरिटी में, ये पहली दफा नहीं हुआ। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही देखा, विनिंग मैच देख रहे थे, थोड़ा सा लगाया था आपने, बिल्कुल 4 ओवर में 41 रन रह गया था, लग रहा था कि शायद हमारी वुमेन्स ने पकड़ के रखा हुआ था इंडियन वुमेन्स को, एक टेंपर लगा है कि हमने पकड़ी गई है इंडियन वुमेन्स और ये मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन वही बात है कि जमैमा और घोष ने जिस विकेट कीपर है, उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है, तारीफ की मुस्तहिक है यार। क्योंकि देखो इंडिया की वुमेन्स अभी 2 हफ्ते पहले, इनकी जो अंडर 19 की वुमेन्स टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, अंडर 19 की वुमेन्स T20 कप जीत लिया, और अभी आप देख लो फिर से जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है आज, हार्ट ब्रोकन वाली, मैं दुख हुआ मुझे इसलिए कि मुझे आज उम्मीद लग रही थी कि आज हमारी वुमेन्स कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। खारी थी, मैं ये दे रहा था, फील्डिंग सारी कवर पे ऊपर है यार, आप एक तो बॉल भी उस तरफ कर रहे हो, फिर आप फील्डिंग भी ऊपर रख रहे हो, तो पोजीशन से आप प्लेट में यूं रख के वापस दे देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हुआ था एक ओडीआई में, उसमें आप जीत रहे थे, मतलब वेस्ट इंडीज वाज सो फार बिहाइंड एंड नहीं यार, छोड़ दो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, हम इंडिया से क्यों आखिरी मोमेंट, ठीक है आई टोटली नहीं आते, और वो इसीलिए नहीं आते कि हम ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड चंक से क्रिकेट, हम जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, हरमनप्रीत कौर, ये जितनी लड़कियां हैं सामने यार, हम इतने अरसे से इंडिया पाकिस्तान एटलीस्ट वुमन क्रिकेट की सत्ता पे तो हो ही रहे हैं ना, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में मिलते हैं, कभी एशिया कप में मिलते हैं, पिछले एक साल में देख लो इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से खेला हुआ है, काफी अच्छा खासा हमारा हमारा हमारी गेम एक्सपीरियंस, नॉट कंपेयर द एक्सपीरियंस, इफ यू कैन नॉट ऑफ जमाइमा रॉड्रिक्स, आप व्हाटएवर, तो निडाडार का कम एक्सपीरियंस है, निडाडार का एक्सपीरियंस अगर जमाइमा और ऋचा घोष का दोनों में विकेट हमारे पास होते, चमा तब मारा उन्होंने फिर, और देख लो पानी आपके हाथ से निकल गई, सना भी मार खा गई, एमन जो है वो भी मार खा गई, और आपके बिस्मा मारूफ की जो मेहनत की वो आज आपने पूरे क्रिकेट जाया कर दी। आपको लगता है, मुझे लगता है कि बिस्मा मारूफ को 10 से 15 थोड़ा 23 खिलाते 55 बॉल क्या स्ट्राइक रेट, क्या 123 के स्ट्राइक रेट, पाकिस्तान मूवमेंट शायद कुछ कर दे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हो पाया, बुरे तरीके से पाकिस्तान मूवमेंट को शिकस्त हुई, 3 विकेट सिर्फ गवाई इंडियन मूवमेंट ने और जीत कर इस मैच को ले गई। ये बैठे हुए मेरे साथ ये बहुत ज्यादा मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, बड़ी इन्होंने जो मूवमेंट के लिए पीछे में आवाज उठाई होती है, आज इस चीज का जवाब देंगे कि वुमेन्स क्यों हारी था। देखिए ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखें तो हमारा खराब ही है, 13 मैचेस में से सिर्फ 10 बार इंडिया जीते, हम 3 बार जीते हैं, लेकिन आज के मैच में फिलहाल उनसे भी ज्यादा है। ये लड़कियां ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलती हैं, ये लड़कियां तो डिफेंड क्यों करना, लड़के हारे तो डिफेंड करने पहुंच जाओ शील्ड लेके, लड़कियां हारे तो डिफेंड करने पहुंच जाओ शील्ड के लिए, भैया किस बात का, निडाडार का निडाडार का, उनको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट मैचेस नहीं मिलते, हम श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा ज्यादा किसी टीम से खेलते नहीं है, इंडिया के साथ होते हैं, श्रीलंका को मैं बायलैटरल्स की बात कर रही हूँ, कितने बायलैटरल्स खेल लिए हमने इंडिया से पिछले 1 साल में 2 साल में, कितनी दफा खेल लिया, इन बड़े इवेंट्स में आमना सामना होता है ना, बट इंडिया बड़ी टीम्स के साथ बायलैटरल्स खेलती है, इन लड़कियों को बिल्कुल, इन लड़कियों में फ्लॉ है, इन लड़कियों में बिल्कुल, एमन अनवर ने आज 3 हाफ ट्रैकर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, चलें आज एमन अनवर ने हाफ ट्रैक,
आपकी मिस्टेक या प्रेशर, अगर फील्डिंग अच्छा करेंगे तो ही मौका बनाएंगे। और अगेन उनके स्पिनर्स ही रहे थे, और यहाँ पर नश्रा का जो स्पेल रहा था वो बहुत अच्छा था, उसने भी किया, उन्होंने मैच से वापसी करवाई। फील्डिंग में था कि जो उन्होंने बहुत शानदार कैच दिया, बट फील्डिंग में आपको यही लग रहा था कि जब प्रेशर लगेगा तो कुछ उस तरीके की चीजें आपको होते हुए दिखेंगी। फील्डिंग में इसलिए अनएक्सपेक्टेड लाइन था कि वो जिस तरीके के फंबल्स हुए, बट स्टंपिंग सवाल थे, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रहे थे। और इनके बाद ऑब्वियसली दीप्ति का आना बाकी था, हरलीन को लेकर तो कुछ उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन एक ट्रिकी सिचुएशन वर्सेस इंडिया कंपैरिजन में नहीं कर रहा, हम किधर गेम हारे और जमाइमा और रिचा किस तरह हमसे गेम दूर लेके गई, असल गेम तो वो है, क्योंकि हम ये गेम अपने स्किल पे नहीं हारे, ये गेम हम अपने टेक्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स की वजह से हारे, बिकॉज हम एनालाइज कर ही नहीं सके कि सिचुएशन क्या है और अब हमने करना क्या। सिचुएशन हमारी थी कुछ और, कर हम कर थे कुछ और, फील्ड हमने ली भी ऊपर चढ़ाई भी, और हम कवर्स के ऊपर स्क्वायर के ऊपर हम धनाटन बाउंड्रियां खा रहे हैं, हाफ ट्रैकर्स दे रहे हैं कि जाओ जी अपने आम को खोलो जी और मारो जी। रिचा घोष का तो रोल ही यही है, शी इज अ पावर हिटर, तो आपकी गेम अवेयरनेस किधर मौजूद थी। ये शुरू में आपकी बॉलिंग, फिर मैं बोलूंगा कि बड़ी अच्छी बॉलिंग किया साधु की बॉलिंग, आज मजा आ गया देखकर, चार ओवर में सिर्फ 15 रन उसने दिया जो हमारी साधु है, दो खिलाड़ी उसने आउट किए। साधिया की बॉलिंग अच्छी रही है, मिड ओवर्स में उसने अच्छी बॉल डाली है, गेम को संभाल के रखा हुआ था, लेकिन एंड में कहानी यही हुई कि जब वो विकेट उन्होंने बचा कर रखे तो उनको पता था कि अगर 3 ओवरों में 40-45 ओवर हम चेस कर लेंगे, मार दिए मतलब एक फील्डर को पीछे रखो ताकि बैट्समैन पास पड़े। आप देखेंगे इतना इतने रन करके भी कि हम उनसे जिसको कहते हैं फाइनल बॉल तक लेके नहीं गए मैच, इतनी पुअर बॉलिंग कि आप नासिर हुसैन जैसा बंदा कमेंट्री में बैठा हुआ वो कह रहा है कि ये कर क्या रहा है पाकिस्तान, इतनी गंदी बॉलिंग एंड पे इनकी कैसे शुरू हो गई है, कि आप इतनी फील्डिंग देखें कितनी पुअर फील्डिंग कि आपके सामने। तो इंडिया में सोचें क्या वो हाल होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बिस्मा इज बेटर कैप्टन देन बाबर आजम, बिस्मा मारो अच्छी कैप्टन होती ना तो एंड में आके समझाती। नहीं नहीं बाबर आजम नहीं यार, एंड में आके समझा। आपने देखा भाई वीडियो के अंदर कैसे पाकिस्तान के लोग अपनी ही लड़कियों को, अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम जो भाई इनके ही देश के लिए इतनी मेहनत करती है, उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि आप लोगों को कैसे खेलना चाहिए, आपको कैसे फील्डिंग लगानी चाहिए। दोस्तों इन ऐसी सोच वाले पाकिस्तानियों के लिए भाई देखो, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि हमारी इंडिया की जो टीम है वो बड़े अच्छे तरीके से जीती है भाई, जो लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर रहे ना कसम से उन ओवर्स में तो मजा ही आ गया। पाकिस्तान की जो लड़कियां थी भाई बिल्कुल इतर बितर हो गई, और जो पाकिस्तान के लोग ये वेट कर रहे थे कि हम जीत के सुबह वीडियो बनाएंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, अब उनकी वीडियो भाई ऐसी कैसी रह गई, वो आराम से बैठ सकते हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है फालतू वीडियो बनाने की। लेकिन भाई ये वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए थे कैसे पाकिस्तान के लोग अपनी ही लड़कियों को गालियां दे रहे हैं। दोस्तों क्या ये चीज़ गलत है या सही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और NXG मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि यहाँ पर आती है हमेशा लेटेस्ट वीडियोज। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।